संसद में दो दिन भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर छाई रही। पहले दिन इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी के हत्यारे करार दिए गए नाथुराम गोडसे को प्रज्ञा ने देशभक्त की संज्ञा दे डाली। दूसरे दिन इसलिए छाई रही कि उन्होंने भरे सदन में माफी मांगने का आदेश सुनाया गया। प्रज्ञा ने माफी मांगी भी, लेकिन यह साबित कर दिया कि झुकी है, हारी नहीं है। गांधी के अपराधी को देशभक्त कहने की माफी मांगी तो खुद को आतंकवादी करार देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी माफी मांगने की बात कह डाली। इस बीच मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिंदा जला देंगे। हालांकि दांगी ने बाद में अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन तब तक प्रज्ञा इस बात को दिल पर ले चुकी थी। प्रज्ञा के ट्वीट को देखकर तो यही लगता है, जिसमें उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है। इस ट्वीट में प्रज्ञा ने लिखा है कि कांग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है, 1984 में सिखों को और नैना साहनी को तंदूर में जलाने तक का। राहुल गांधी ने मुझे आतंकी कहा और उनके विधायक गोवर्धन दांगी मुझे जलाएंगे। ठीक है तो मैं आ रही हूँ, ब्यावरा उनके निवास मुल्तानपुरा पर, दिनांक 8 दिसंबर 2019, समय 4:30 बजे, जला लीजिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के लिए लॉगिन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp